ओके, लास्ट टाइम हमने बात की थी वेब वेब के ऊपर, वेब ब्राउज़र के ऊपर, और वेब ब्राउज़र में हमने जो इसको एक्सप्लोर किया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर को। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये वाला जो प्रोग्राम है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हो विंडोज़ उसके साथ आता है, हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इसमें हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करके ब्राउज़ कर सकते हैं, और हमने सारे मेन्यूज़ ऑप्शन और सारी डिटेल दी थी। और उसमें मैंने ये भी मेंशन किया था कि वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम है, ये वाला माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, इस तरह और कंपनियों ने भी अपने अपने वेब ब्राउज़र बनाए हुए हैं। एक गूगल ने बनाया है जो है गूगल क्रोम के नाम से, ये वाला, ये बड़ा लाइट वेट और फास्ट ब्राउज़र है। अगर आप को ये फील हो रहा हो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जब आप यूज़ करते हैं तो वेबसाइट ओपन स्लो होती है और वो ब्राउजिंग स्लो है, तो आप गूगल क्रोम जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल क्रोम अगर आपने इंस्टॉल करना है, ये भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा नहीं अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल वालों की वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है। जो भी आप करंटली ब्राउज़र इंस्टॉल कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है अगर, तो उसमें से आप गूगल वालों की साइट पे जाके, और ये वाला जो मेन्यू आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा फोकस कर लेता हूँ, ये टॉप पे जो है ना, ये इनकी ये लिस्ट आ रही होती है। अभी जो है ना गूगल जो है ना वेब पे है, यानी अभी जो कुछ हम टाइप करेंगे वो सर्च होगा वेब से, फिर आप उन्हें इमेजेस सर्च कर सकते हैं, आप वीडियोस, मैप्स, न्यूज़, शॉपिंग, गूगल मेल, और ये मोर की ऑप्शन में आपने जाना है। मोर की ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे क्रोम नज़र आ रहा है कहीं पे, नहीं नज़र आ, तो आप इवन मोर में चले जाएँ। इवन मोर में जो बाकी इनकी सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। ये वाला गूगल क्रोम, आप गूगल क्रोम पे क्लिक करें तो ये उसका पेज आ जाएगा। उसकी इन्होंने ये टाइटल ये देखो, फास्ट न्यू ब्राउज़र, गूगल क्रोम रन्स वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन विद लाइटनिंग स्पीड, ठीक है। और ये इसका इंटरफेस है, ये भी टैब के साथ है, इसमें आप मल्टीपल टैब एक ही ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये भी जो है ना टैब बेस्ड ब्राउज़र है, आप एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल टैब ओपन कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपली ये लिंक क्लिक करना है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें, और ऑप्शनल हेल्प अस मेक, अच्छा इस चेकबॉक्स को चेक करना कर दें, लिखना सी एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड करके आपके ऊपर जो है ना गूगल क्रोम इंस्टॉल कर देगा। लेकिन मैं, मेरे पास तो अभी ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद तो आप जो है ना इसका एक यहाँ पर शॉर्टकट भी बन जाएगा डेस्कटॉप पे, आपके आप उस शॉर्टकट के थ्रू रन कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका इंटरफेस है, यानी आप देख रहे हैं कोई मेन्यू नहीं है, बड़ा सिंपल है, फास्ट रन होता है, और ये यहाँ पे जो है ना लिस्ट भी वो दिखा रहा होता है कि मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स जो हैं आपने सबसे ज़्यादा, वो हिस्ट्री चूँकि मेंटेन कर रहा होता है, और उस हिस्ट्री से निकाल के आपको दिखा देता है कि आपने मोस्ट रिसेंटली जो है ना कौन कौन सी वेबसाइट्स ज़्यादा जो है ना विजिट की हैं। फिर रिसेंटली क्लोज्ड, अच्छा अभी रिसेंटली क्लोज, ये वेबसाइट मैंने ओपन करके ना अभी क्लोज कर दी, तो उसकी लिस्ट भी मुझे दिखा रहा है। इसमें आपने ये दूसरी टैब पे जाना है तो सिंपली प्लस के साइन को क्लिक कर देना है, तो ये मल्टीपल टैब्स खोलता जाएगा। अच्छा, इसका जो बाकी डिटेल्स है वो यहाँ से, आप ये जो बटन, ये जो बना हुआ है सेटिंग्स का, इसको क्लिक करें तो ये मेन्यू आपको दिखा देगा। इस मेन्यू में आप न्यू टैब है, न्यू टैब के लिए वही शॉर्टकट है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर में था, कंट्रोल टी। और अगर आपने नई सेपरेट विंडो खोलनी है इस तरह से, न्यू विंडो, तो फिर आप न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन, यानी मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा एक और टैब ओपन हो जाएगी, कंट्रोल एन प्रेस करूँगा तो एक और प्रोग्राम की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, सिंपल चीज़। ये एक ऑप्शन है न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इनकॉग्निटो, पता नहीं मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन इस ये ऑप्शन ऐसी है कि अगर आप ये वाली विंडो खोलेंगे तो इसमें यह है कि इस विंडो में आप जो भी वेबसाइट ब्राउज करेंगे वो उसकी हिस्ट्री सेव नहीं करता, तो सिक्योरिटी के हिसाब से ये विंडो ठीक है।
ये इसकी हिस्ट्री सेव नहीं होती, और दूसरा इसने यहाँ पर डिटेल लिखी, पेजेस दैट यू व्यू इन दिस विंडो वॉन्ट अपीयर इन योर ब्राउजर हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री, ठीक है, किसी भी हिस्ट्री ब्राउजर या सर्च में ये अपीयर नहीं होते, एंड दे वॉन्ट लीव एनी ट्रेसेस लाइक चीज ऑन योर कंप्यूटर आफ्टर यू क्लोज द इनकॉग्निटो विंडो। अच्छा, हम अक्सर वेबसाइट पे जाते हैं और उन पे हम अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कुछ डिटेल देते हैं, उसमें से कुछ डिटेल जो है ना वो वेबसाइट लोकली इस कंप्यूटर के टेम्प्रेरी फोल्डर में सेव कर लेती है, जिसको हम कहते हैं कि उसने कुछ डाटा कुकीज की फॉर्म में सेव किया हुआ होता है। अगर आप किसी पब्लिक कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं और इस तरह की इंफॉर्मेशन आप कोई प्राइवेट किस्म की वेबसाइट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी बैंक की वेबसाइट है जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, या आपके इवन के ईमेल अकाउंट्स जो हैं वो भी इस तरह से हैक हो सकते हैं, यानी अगर आप पब्लिक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और उस कंप्यूटर पे जो इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट सेव कर रही होती हैं, वो कुकीज़ उस कंप्यूटर पे, इवन के आप वो प्रोग्राम बंद भी कर देते हैं लेकिन वो कुकीज़ उस पे सेव पड़ी रह जाती हैं, तो कुछ जो हैकर्स हैं वो उन कुकीज़ की बेस से उनसे कुछ डाटा आपका वहाँ से उठा सकते हैं। तो जब भी आप किसी पब्लिक कंप्यूटर पे हों जिस पे आपको पता है कि मैंने इसको आधा घंटा दो घंटे यूज़ करना और उसके बाद ये कंप्यूटर कोई भी और बंदा यूज़ कर सकता है, तो उस वक्त पहले तो जो अपनी आपकी सिक्योर वेबसाइट्स हैं उनको अवॉइड करें, उनको खोलें ही ना, क्योंकि आपको नहीं पता उस प्रोग्राम पे, उस कंप्यूटर पे किसी बंदे ने कोई ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल किया हो जो आपकी सिक्योर इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी तरह से उठा रहा हो। और अगर करना ही है तो फिर आप ये ऑप्शन कर सकते हैं कि इसकी ये वाली विंडो खोल के इसमें से आप वेबसाइट एक्सेस करें, और जैसे ये विंडो क्लोज होगी तो कोई हिस्ट्री सब कुछ वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये एक अच्छी ऑप्शन है। फिर कट कॉपी पेस्ट के लिए वही स्टैंडर्ड, आप मेन्यू ना भी यूज़ करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी स्टैंडर्ड मेन्यू है, कंट्रोल सी कॉपी का है, कंट्रोल एक्स कट का है, कंट्रोल वी पेस्ट करने का है। जूम भी आप मेन्यू से आने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जूम था, कंट्रोल और प्लस साइन, ठीक है, कंट्रोल प्लस साइन ही था। लेट मी ओपन सम वेबसाइट, सपोज मैं गूगल की वेबसाइट पे जाता हूँ, गूगल की वेबसाइट आ गई, हाँ कंट्रोल प्रेस किए रखें और फिर जो ऊपर प्लस बैक स्पेस के साथ प्लस और माइनस की जो है ना जो नंबर्स वाली लाइन है 1 2 3 4 5 6 9 0 ज़ीरो के बाद माइनस की है और उसके साथ ही प्लस की है। अगर आपने जूम और जूम इन करना है तो आप जो है ना कंट्रोल प्लस प्रेस करते जाएँ, और अगर आपने इसको छोटा करना है तो कंट्रोल माइनस प्रेस करते जाएँ, ठीक है, ये सेम शॉर्टकट वही है जो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपके पास है। अच्छा, अगर आपने पेज कोई फॉर एग्जांपल आप किसी पेज पे गए हुए हैं उसको आपने सेव एज करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी आप सेव एज कर सकते थे, इसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी जो ऑप्शन थी MHTML वो सेव करें, इसमें भी वो कह रहा है कि वेब पेज HTML ओनली या वेब पेज कंप्लीट, तो आप वेब पेज कंप्लीट जो है उसके तौर पे सेव कर लें, तो उस केस में वो सारा जो पेज है ना वो लोकली सेव कर लेगा। अगर आप बाद में इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं भी हैं तो वो पेज आपका लोकली कंप्यूटर पे सेव होगा, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। ये ऑप्शन इस तरह से यूज़फुल है कि आप किसी शॉपिंग की वेबसाइट से या कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे थे और आपको किसी पेज पे मिल गई है, आप उसको लोकली सेव कर लें, और बाद में अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं भी है तो आपको वेबसाइट पे जाकर वो पेज लोड करने के बजाय आप लोकली जो सेव हुआ उसको ओपन करके वो पेज देख सकते हैं, और अगर उसमें कोई रीडिंग मटीरियल है तो आप वो रीडिंग कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल एफ और कंट्रोल पी वही स्टैंडर्ड शॉर्टकट्स, मेन्यू की बजाय आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो वो सर्च का ये ओपन कर देगा, सपोज मैं इस पे लिख लेता हूँ कि लर्न, ठीक है, तो ये देखें उसने सर्च कर दिया कि लर्न यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और साथ ही उसने आगे ये बता दिया कि वन ऑफ वन, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ गूगल तो GOOGLE, तो उसने कहा कि फोर इंस्टेंस हैं गूगल के, फोर टाइम उसने गूगल का वर्ड इस पेज पर सर्च किया है, और जो करंटली विजिबल है ये सेकंड नंबर पे है, आपने इस अगले पे जाना है, इसको क्लिक करें तो आपको तीसरे पे ले जाएगा, ये आ गया,
फिर चौथे पे ले जाएगा ये आ गया, फिर पहले पे ले जाएगा आपको ये पहला आ गया। ठीक है, ये वाला सर्च नहीं कर रहा क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, ये इमेज है, जो टेक्स्ट है उसी को सर्च करता है, ये क्योंकि इमेज है इसको वो सर्च नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल एफ, कंट्रोल प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी, सिंपल आप कंट्रोल पी प्रेस करें, सेम स्टैंडर्ड शॉर्टकट जो मैंने पहले भी बताए थे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी यही चलेंगे, बाकी प्रोग्राम जो हैं उनमें भी अक्सर में यही शॉर्टकट होते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल एस सेव करने के लिए, तो सेम शॉर्टकट से है ना इसी प्रोग्राम में भी सारे यूज होंगे। अच्छा, टूल बार में अभी तो कोई टूल बार ओपन नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई टूल बार ऑन करनी है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है, इसमें ऑलवेज शो बुक मार्क बार, ठीक है, ये बुक मार्क अगर आपने सेट की, बुक मार्क पर भी बात करते हैं क्या होता है, तो क्रिएट एप्लीकेशन शॉर्टकट्स, टास्क मैनेजर अच्छा ठीक है जी, टास्क मैनेजर बेसिकली ये है कि कितनी टैब ओपन है, आप उस हर टैब को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर ये टैब जो तीनों ओपन है मैंने इसको एंड करना है, मैंने इसको एंड कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा टूल्स में क्या है, ब्राउजिंग डाटा आप क्लियर कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है आप बग रिपोर्ट कर सकते हैं, डिफेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं गूगल को। ठीक है, सोर्स आपने देखना है, ये एक एडवांस ऑप्शन है, यानी एक नॉर्मल यूज़र को इन चीज़ों की ज़रूरत नॉर्मल नहीं पड़ती। हाँ, ये तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बुकमार्क ये होता है कि आप किसी जगह पे गए, आपको वो वेबसाइट या वो लिंक अच्छा लगा, आप उसको स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप उसको बुकमार्क एज ए बुकमार्क जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ यूट्यूब पर, मैंने एक वीडियो सर्च की harunabot.net, ठीक है, अब harunabot.net में फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो आ गई, तो ये लिंक जो है मैं इसका सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा इसको बुकमार्क मैनेजर में जाके यहाँ से, ठीक है, मैं इधर कह दूँगा ओपन ऑल बुकमार्क, अच्छा बुकमार्क्स एक तो वो बार डिस्प्ले करता है, तो एक तो आप बार में जो है ना वो बुकमार्क ऐड कर सकते हैं, तो जो ऐड पेज में फॉर एग्जांपल कह रही थी, मैं कहता हूँ कि दी ट्रेनिंग वीडियो, और यहाँ पे मैंने उसका यूआरएल दे दिया, अब उसने ये बुकमार्क सेव कर दी, ये देखें ये यहाँ पे बार में अपीयर भी हो गए। ठीक है, ये न्यू टैब जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये जो बार है बुकमार्क की यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, इस पर इसका शॉर्टकट, इधर आप जितने भी बुकमार्क डालेंगे वो आपको इधर नज़र आएंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप नेक्स्ट टाइम गूगल क्रोम को खोलेंगे तो ये देखें ये आ रही, इसको मैं क्लिक करूँगा वो फॉरन। इसी तरह अगर मैं जाता हूँ फ्रेंड्स कॉर्नर, एक वेबसाइट है उस पर जितने जो पॉलिटिकल जो हमारे चैनल्स पे प्रोग्राम आते हैं पाकिस्तानी चैनल्स पे वो अक्सर सारे पड़े होते हैं, अब अगर मैंने इस लिंक को सेव करना है, मैं इसको जाके बुक मार्क्स में जाके बुक मार्क मैनेजर में जाके बुक, आप डिपेंड करता है मैं अदर बुक मार्क में इसको ऐड करूँ या बुक मार्क्स बार में ऐड करूँ, अगर मैं बुक मार्क्स बार में ऐड करूँगा तो वो इस बार पे सारे अपीयर हो जाएंगे, अगर मैं अदर बुक मार्क्स में ऐड करूँगा तो वो फिर यहाँ पे अपीयर नहीं होंगे, फिर वो मैं इधर से जाके एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, चलें ये वाला मैं इधर ऐड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ऐड पेज, ओके, मैं इस पर कह देता हूँ कि डिबेट प्रोग्राम, और यूआरएल मैंने इसकी दी, अब ये देखिए यहाँ पे आ गया,
अब ये डिपेंड करता है कि आप अदर बुक मार्क्स में ऐड करना चाह रहे हैं या इस बार में ऐड करना चाह रहे हैं। बार में ऐड करना तो आप यहाँ पे ऐड कर लें। फ़ायदा इसका ये है कि वो जो वेबसाइट आपने फ्रीक्वेंटली एक्सेस करनी है वो एज ए लिंक आपको यूआरएल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका लिंक काफ़ी लंबा है तो आप सिंपली इसको बुक मार्क ऐड कर लें, वेब ब्राउज़र खोलें और ये वाला बटन यहाँ से क्लिक कर लें, जो भी आपको यहाँ पे जाना हो या अदर बुक मार्क्स में जाकर लिस्ट में इसको सेलेक्ट कर लें तो वो वाली वेबसाइट या वो वाला पेज डायरेक्टली आपको ओपन कर देगा। ये तो है बुक मार्क्स। फिर इसी तरह आप हिस्ट्री देख सकते हैं, ये हिस्ट्री है, यानी 25th फ्राइडे को ये वेबसाइट से हमें एक्सेस हुई है, साथ में टाइम भी बता रहा है किस किस टाइम पर ये सारी वेबसाइट्स एक्सेस हुई हैं। ठीक है, येस्टरडे आ गया, फिर ट्यूजडे, मंडे, ये सारी डिटेल यहाँ पर पड़ी हुई है। ओके, हिस्ट्री का शॉर्टकट कंट्रोल हैच पर हिस्ट्री है। डाउनलोड आपने जितने प्रोग्राम डाउनलोड किए हैं, ठीक है, ये मैंने दो प्रोग्राम अभी तक डाउनलोड किए हैं, कैम स्टूडियो है और कैम स्टूडियो का एक और वर्जन है। जितने प्रोग्राम आपने इंटरनेट से गूगल क्रोम में डाउनलोड किए होंगे उनकी सारी लिस्ट यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है, अगर आपने लिस्ट क्लियर करनी है तो क्लियर ऑल प्रेस करें तो वो लिस्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, और अगर लिस्ट काफ़ी लंबी है, आपको पता है कि आपने दो वीक पहले कोई प्रोग्राम डाउनलोड किया था, अभी आपको दोबारा चाहिए, तो बजाय इसके कि वो प्रोग्राम आप दोबारा डाउनलोड करें, अपनी हिस्ट्री में से सर्च कर लें तो आपको वो डाउनलोड हुआ टेम्परेरी फोल्डर या जिधर भी आपने किया होगा उधर से आपको दिखा देगा और आप उसको रन कर सकते हैं, री इंस्टॉल कर सकते हैं या जो उसको करना है आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, ये नॉर्मली डाउनलोड्स और स्पेशली बुकमार्क मैनेजर जो है ना, इसको यूज़ करना एक अच्छी बात है कि लिंक्स आप मैनेज करके रखें, अपने ब्राउज़र ऑन करें और जिस लिंक पे आपने जाना है, जो आप फ्रीक्वेंटली जाते हैं, उस पर वेबसाइट टाइप करने के बजाय आप सिंपली इसको प्रेस करें, इससे आपका टाइम सेव होगा। ऑप्शंस में देख लें, कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं उसमें, वही पूछता है कि जब स्टार्टअप हो ये प्रोग्राम तो होम पेज पे जाए या जो लास्ट टाइम आपने टैब्स ओपन की हुई थी सारे पेजेस उन्हीं को दोबारा ओपन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं ऑन करता हूँ तो मुझे पता है मैं हर रोज़ मैं यूट्यूब पे जाता हूँ या मैं फ्रेंड्स कॉर्नर की वेबसाइट पे जाता हूँ या bbc.co.uk/urdu पे मैं जाकर न्यूज़ देखता हूँ, तो तीन बार मैंने ओपन की और इसको ये सिलेक्ट कर दिया कि री ओपन द पेजेस दैट वर ओपन लास्ट टाइम। उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगा तो वो तीनों की तीनों वेबसाइट्स जो है ना वो दोबारा ओपन कर देगा। और अगर मैंने ये ऑप्शन नहीं रखी, मैं कहता हूँ कि ओपन द फॉलोइंग पेजेस, तो मैं यहाँ पे अपने पेजेस ऐड कर सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि bbc.co.uk/urdu, तो वो जब भी ओपन होगा तो मुझे ये वाला पेज ओपन कर देगा। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप जो वाले भी यहाँ पे सेट करना चाहेंगे पेज। और अगर आपने होम पेज पे जाना तो अपना होम पेज भी सेट कर सकते हैं कि भी यूज़ द न्यू टैब पेज, कि मेरा होम पेज ये है कि नई टैब ओपन कर दो, या मेरा होम पेज ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी अपनी जो वेबसाइट है आप वो वेबसाइट दे सकते हैं, या जो वेबसाइट आप जिस पेज जिसको एज होम पेज रखना चाहते हैं वो दे सकते हैं। शो होम बटन, तो ये होम बटन यहाँ पर आ जाएगा, अगर आप कहें शो होम बटन, ये बटन यहाँ पर आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो वो होम पेज को ओपन कर देगा। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ना गूगल का सर्च इंजन यूज़ करेगा। अगर आपने डिफरेंट याहू या बिंग यूज़ करना है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, ये यूज़ करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल, हम गूगल ही रखते हैं क्योंकि गूगल जो है वो काफ़ी फास्ट है। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, अभी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का मतलब ये है कि आप कोई भी लिंक किसी और प्रोग्राम से क्लिक करेंगे तो वो किस ब्राउज़र में ओपन करेगा। अभी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है ना इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आप किसी और प्रोग्राम में से कोई लिंक क्लिक करेंगे तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होगा। अगर आप गूगल क्रोम में ओपन करना चाह रहे हैं कोई भी एक्सटर्नल लिंक, तो आप इसको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बना लें, तो फिर जो भी बाहर से आप वेब पेज एक्सेस करने के लिए क्लिक करेंगे तो वो गूगल क्रोम में वो ओपन करेगा। फिर पर्सनल स्टाफ है, ये बेसिक ऑप्शन थी। फिर पर्सनल ऑप्शन में है सिंक्रोनाइज, तो मैंने चेक नहीं किया ये क्या करता है। पासवर्ड, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली हम ईमेल्स वगैरह एक्सेस करते हैं या जो भी वेबसाइट्स हैं जिधर यूज़र अकाउंट, ईबे पे आप जाते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड देते हैं, यूट्यूब पे आप जाते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड देते हैं, तो अक्सर वेब
और जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उनमें नॉर्मली सेटिंग ये होती है कि ऑफर टू सेव पासवर्ड, कि आप हर दफ़ा जाएं यूज़र आईडी पासवर्ड दें तो आप कह देते हैं कि इस कंप्यूटर पे मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों सेव कर लो। तो नेक्स्ट टाइम आप उसको ओपन करते हैं वो यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं पूछता, आपको डायरेक्टली लॉगिन कर देता है। अब आप सेटिंग में कर सकते हैं ऑफर टू सेव पासवर्ड। जब आप फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट पर जाकर यूज़र आईडी और पासवर्ड के लॉगिन करते हैं, आप देते हैं, तो आपको नॉर्मली पूछता है कि मैं ये वाला यूज़र आईडी और पासवर्ड सेव कर लूँ। अगर आप उसको यस कर दें तो वो फिर सेव कर लेता है अपने पास, और नेक्स्ट टाइम आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो वो पासवर्ड पूछता नहीं है, यूज़र आईडी भी नहीं पूछता, वो डायरेक्टली आपको लॉगिन कर देता है। ये ऑप्शन आपने देनी है कि नहीं देनी इस कंप्यूटर पे, वो है ऑफर टू सेव पासवर्ड, नेवर सेव पासवर्ड। आप देख लें, अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न है, ये आपका लैपटॉप एक ज़्यादा बंदे एक्सेस करते हैं, तो आप नेवर सेव पासवर्ड की ऑप्शन दे दें, और अगर आप ही एक्सेस करते हैं, आपका लैपटॉप कंप्यूटर सिक्योर है, तो आप सेव कर सकते हैं। आपका इससे टाइम बचेगा, नेक्स्ट टाइम या हर दफ़ा आपको लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दफ़ा लॉगिन करके सेव कर दें, हर दफ़ा आपको वो ओपन खुद ही कर देगा। ऑटो फॉर्म रीफिल, कई दफ़ा हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिट बॉक्स है, कुछ आप टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ फॉर्म फिल कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पे रजिस्टर हो रहे हैं, तो आपसे पूछता है कि ये अपना नाम बताएं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। तो अगर आपने ये ऑप्शन ऑटो रीफिल वाली वेब फॉर्म्स में इनेबल की हुई है, आपने एक दफ़ा कोई फॉर्म फिल किया, उस पर आपने नाम में सपोज ये टाइप कर दिया, ठीक है, फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर टाइप कर दिया, ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल एड्रेस जो भी था वो टाइप कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम आप कोई और वेबसाइट पे जाके उसी तरह का फॉर्म दोबारा फिल करने जा रहे हैं, तो वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि अच्छा ये टेक्स्ट बॉक्स नेम के लिए है, लास्ट टाइम जो नेम था वो ये दिया था। वो ऑटो रीफिल, आप ए लिखेंगे तो वो आगे ए एल ए एम खुद ही डाल देगा, आप अपना फ़ोन नंबर 0208 लिखेंगे वो खुद ही अगला डाल देगा कि अच्छा ये तो फ़ोन नंबर है तो पहले भी था, तो वो ऑटो रीफिल जो है ना वो करना शुरू कर देगा। ये काफ़ी हैंडी ऑप्शन है, यूज़फुल है, लेकिन वही चीज़ के अगर आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर सिक्योर है और हर बंदा उसको एक्सेस नहीं करता, तो फिर आप इसको ऑन कर लें, और अगर सिक्योर नहीं है तो आप इसको ऑन ना करें, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जब आप फॉर्म फिल करते हैं पहली दफ़ा तो वो लोकली सेव करता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो रीफिल की ऑप्शन ले सके। ओके, हम पर्सनल स्टफ में थे, ऑटो रीफिल देख लें। ब्राउजिंग डाटा, इम्पोर्ट डाटा फ्रॉम अनदर ब्राउजर, थीम, गेट थीम, आप अपने इसके मुख्तलिफ थीम सेट कर सकते हैं, ठीक है। थीम से मुराद ये है कि आपके कलर्स और ये सारा बैकग्राउंड जो भी आपको अगर कोई स्पेसिफिक नाइस लगता है, आप उसको क्लिक करके अप्लाई थीम करेंगे तो वो वाला थीम जो है ना वो अप्लाई कर देगा, कलर्स आपके विंडोज़ के बैकग्राउंड जो है ना उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा। ओके, और क्या चीज़ है, हाँ, अंडर दी बोनट, ये काफ़ी डिटेल सेटिंग्स है मेरे ख्याल से, हाँ, नॉर्मल यूज़ के लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑप्शन भी हो गई वो गूगल क्रोम, हाँ, तो बस ठीक है, यही चीज़ है, हाँ, ये फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन F11 एट सेम, ये भी वही शॉर्टकट है जो उसके लिए था इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए, F11 हाँ, F11 से आप स्विच कर सकते हैं फुल स्क्रीन और शॉर्ट स्क्रीन में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी यही ऑप्शन थी। और ये फॉरवर्ड और बैक के बटन है, ये रिफ्रेश का बटन है, ठीक है। और अगर आपने इसको बुकमार्क करना है तो बजाय इसके कि आप यहाँ से जाकर बुकमार्क मैनेजर खोलें, आपने एक वेबसाइट खोली हुई है, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली वेबसाइट खोली हुई है, मैंने इसको बुकमार्क करना है, तो मैं यहीं से क्लिक करके उसका नाम और बता सकता हूँ कि इसको बुक बार में ऐड करना है या अदर बुक बॉक्स में ऐड करना है, तो मैं इसको डायरेक्टली स्टार क्लिक करके भी बुकमार्क में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर इसने स्टार दिया है, बाकी आपने टैब क्लोज़ करनी है तो यहाँ से टैब क्लोज़ कर सकते हैं, आप यहाँ से करेंगे तो भी करेगा, इसने पूछा नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर नॉर्मली अगर हमने सेटिंग में बताया हुआ तो पूछ लेता है कि भी आपने, आपके पास ज़्यादा टैब्स ओपन है, आपने एक टैब बंद करनी है, पूरा प्रोग्राम ओपन करना है, तो गूगल क्रोम ने डायरेक्टली पूरा बंद कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से तो ये काफ़ी लाइट
और फास्ट ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर लोड होते हुए काफ़ी टाइम लगा देता है, ये फ़ौरन लोड हो जाता है, इसकी वेब ब्राउजिंग काफ़ी फास्ट है। तो आप इसको डाउनलोड कर लें गूगल की वेबसाइट से और इसको यूज़ करें, काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कोई और एप्लीकेशन या कोई और प्रोग्राम कौन सा जो है वो हम आपको बता सकते हैं। ओके जी, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसमें ये है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किस तरह से हुई है, स्पेशली कैमरा से रिलेटेड। हमारे पास पहले पुराने कैमरे होते थे, फिर कैमरा वो उनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल फ़र्क थी, उनमें फिल्म जो फोटो सिंथेटिक फिल्म डला करती थी और लाइट की बेस पे उस पर इफ़ेक्ट डल जाते थे, फिर उस फिल्म को हम डिवेल्प करवाया करते थे जाके और फिर पिक्चर प्रिंट होती थी। उसके बाद टेक्नोलॉजी कैमरे की बिल्कुल चेंज हो गई और डिजिटल जो है ना इमेजिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। उसमें ये होता है कि कैमरा का जो लेंस होता है वो पिक्चर लेके उसका जो सारा इफेक्ट होता है वो डिजिटली उसी कैमरा में एक चिप के ऊपर या हार्ड डिस्क के ऊपर सेव कर देता है। उस कैमरा को हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से और वहाँ से फिर हम उसको एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। इस चेंज की वजह से जो है ना पिक्चर्स लेना या फोटोग्राफी करना जो है ना बड़ा कॉमन हो गया है। कैमरे जो हैं वो अब तकरीबन ऑलमोस्ट हर बंदे के पास होता है, हर घर में कैमरा होता है और ये टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल इमेजिंग की ये स्टिल फोटोग्राफी में भी अब यूज़ हो रही है और वीडियो फोटोग्राफी में यूज़ हो रही है। जो हमारे वीडियोस कैमरा हैं वो भी नॉर्मली सारी की सारी जो वीडियो होती है वो डिजिटल फॉर्मेट में किसी ना किसी डिजिटल फॉर्मेट में उसी कैमरे के ऊपर जो हार्ड डिस्क लगी होती है, चिप डली होती है, उसी के ऊपर सेव कर लेते हैं। और इसके बाद जो है अब और इससे पिक्चर क्वालिटी भी बहुत बेहतर हो गई। यानी शुरू में 1 मेगापिक्सल कैमरास थे, फिर 2, 3, 5, अब 8 और 12 मेगापिक्सल कैमरास आ गए हैं, पिक्चर क्वालिटी बहुत बेहतर है उनमें। वीडियो कैमरास में भी ये एडवांसमेंट इसी तरह से होती गई और अब जो है नॉर्मली HD कैमरास जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं नॉर्मल प्राइसेस पे और उनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत बेहतर है। नॉर्मल जो पहले पिक्चर क्वालिटी हमें मिलती थी आम कैमरे से, अब तो जो टेलीविज़न है नॉर्मली सारे वो भी HD रेडी होते हैं, लैपटॉप्स की स्क्रीन और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन तक जो है ना वो HD क्वालिटी जो डिस्प्ले में मिल रहा होता है। और इसके साथ साथ ये है कि कैमरा ना सिर्फ कैमरे एक सेपरेट चीज़ तक ही नहीं महदूद रहा बल्कि जो हमारे फ़ोन्स हैं उनमें बिल्ट इन अब कैमरा आना शुरू हो गया और उनकी क्वालिटी भी ऑलमोस्ट उतनी ही अच्छी होती है जितनी हम सेपरेट किसी कैमरा में लेते हैं। यानी नॉर्मल फ़ोन्स में जो कैमरा आते हैं वो 5 मेगापिक्सल क्वालिटी के और 8 मेगापिक्सल क्वालिटी के और उनकी रिकॉर्डिंग जो है वीडियो रिकॉर्डिंग वो भी HD क्वालिटी तक चली गई है। और ये एडवांसमेंट जो है अभी रुकी नहीं है, अभी जो नई चीज़ आना शुरू हो गई है वो 3D जो मूवीज़ हैं वो आना शुरू हो गई हैं और 3D मूवीज़ अभी कमर्शियल लेवल पे बन रही हैं और कॉमन होने जा रही हैं। जैसे 3D मूवीज़ कॉमन होना शुरू हो जाएंगे तो HD जो है ये तो उस वक्त अब बिल्कुल बहुत ही कॉमन हो चुकी होगी। थोड़ी सी अगर हमने हिस्ट्री देखनी हो कैमरे की तो ये मैंने कुछ सर्च किए हैं। शुरू में जो कैमरास हमारे होते थे वो इस तरह के होते थे जो बिल्कुल शुरू में बने थे और उससे भी अगर पहले हम देखना चाहें तो कॉन्सेप्ट बेसिकली कैमरे का ये है, पिन होल कैमरा जो शुरू में इस फॉर्म में आया। और अगर आज से 20-25 साल पहले जाएं तो हमें याद है कि इस तरह के कैमरास अवेलेबल होते थे शुरू में। फिर उसके कुछ देर बाद इस तरह की क्वालिटी आना शुरू हो गई, ये वो कैमरा है जिनमें फ़िल्म डलती थी, बाद में वो डेवलप होकर पिक्चर जो है ना प्रिंट होती थी। और उसके बाद तो अभी तो डिजिटल कैमरा जो हैं बहुत वैरायटी में अवेलेबल हैं, ये सारे डिजिटल कैमराज हैं। डिजिटल कैमराज में ना सिर्फ पिक्चर बना सकते हैं, स्टिल फोटोग्राफी कर सकते हैं आप, बल्कि वीडियो फोटोग्राफी भी होती है और साउंड रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है और एक कैमरे में आप हज़ारों के हिसाब से पिक्चर जो है ना सेव कर सकते हैं। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी का एक नुकसान भी है। पहले जो कैमरा इतना कॉमन नहीं था, फोटोग्राफी इतनी सस्ती भी नहीं थी। अभी तो आपके पास कैमरा है, बैटरी, आप जितनी मर्ज़ी पिक्चर लें और उनको लैपटॉप पे कंप्यूटर पे कॉपी करें जितनी देर मर्ज़ी रखें,
पहले आपको कॉस्ट पे करना पड़ती थी, कैमरा भी कॉस्टली होता था, पिक्चर लेना, डेवलप करना और फिर प्रिंट करना, ये सारा प्रोसेस एक तो टाइम लेता था और इसकी कॉस्ट होती थी। अब चूंकि ये सारा कुछ ऑलमोस्ट फ्री हो गया है, तो इससे होता यह है कि हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं किसी टूर पे या किसी ट्रिप पे या किसी फंक्शन पे, तो हम इतनी पिक्चर्स ले लेते हैं कि हमें फिर वो बाद में पता नहीं लगता कि इनमें कौन सी पिक्चर रखनी है कौन सी नहीं रखनी। एट द एंड होता क्या है कि हम पिक्चर्स लेके आ जाते हैं और अक्सर दफ़ा वो कैमरे में रही डिलीट हो जाती हैं, फॉर्मेट हो जाती हैं, और अगर कॉपी कर भी ली जाएँ किसी ऐसी जगह पे, किसी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो उनको देखने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि पिक्चर्स होती इतनी ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, ये सबसे अहम पॉइंट है कि आप पहले तो पिक्चर्स वो लें जो वाकई अच्छी हों, क्वालिटी की हों, जो ज़रूरी हों। और नॉर्मली बंदा जब किसी जगह जाता है तो बहुत सारी पिक्चर्स ले लेता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो अच्छी होंगी वो रख ली जाएंगी और जो अच्छी नहीं क्वालिटी में अच्छी पिक्चर्स नहीं आएंगी उनको बंदा बाद में डिलीट कर देता है। तो इस चीज़ को प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है। अगर इसको मैनेज ना किया जाए तो होगा यही कि जो अच्छी पिक्चर्स होंगी या बुरी पिक्चर्स होंगी वो देखी भी नहीं जाएंगी, वो कहीं इधर उधर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी और उनको टाइम ही नहीं मिलेगा देखने का। तो आज इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि एक तो जो पिक्चर्स कैमरे से या वीडियो कैमरे से आपके पास वीडियो क्लिप्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, आप उनको कैसे एडिट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, उनको पिक्चर्स को वीडियो क्लिप्स को इकट्ठा करके उनकी एक मूवी बना लें। जो कि नॉर्मली बेहतर है कि पिक्चर्स आप कहीं सपोज आप किसी जगह जाते हैं सैर के लिए, तो आपके पास वीडियो कैमरा भी होगा, मूवी कैमरा और स्टिल फोटोग्राफी भी आप करेंगे। जब वापस आएंगे आपके पास कुछ सैकड़ों के हिसाब से स्टिल पिक्चर्स होंगी और कुछ 40, 50, 100 और कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स भी होंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके उन सारी पिक्चर्स को और वीडियो को इकट्ठा करके उनको एडिट कर सकते हैं, जो अननेसेसरी मूवी या पिक्चर्स हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं, पिक्चर्स के ऊपर कमेंट दे सकते हैं, उन पे मुख्तलिफ इफ़ेक्ट डाल सकते हैं और इफ़ेक्ट डालने के बाद आप उसको कंपाइल कर सकते हैं एक ही मूवी में। सपोज आपके पास 15-20 पिक्चर थी, फाइनल 4-5 वीडियो क्लिप्स थे, आपने उनको एडिट किया, उस पर कमेंट डाले, उसमें आप म्यूज़िक भी डाल सकते हैं, म्यूज़िक डाल के आप उसको आउटपुट सेव कर सकते हैं, उसकी आउटपुट एक मूवी फाइल में। तो जो पहले आपने कई 100 तस्वीरें मैनेज करनी थी और काफ़ी सारे वीडियो क्लिप्स मैनेज करने थे मुख्तलिफ फोल्डर्स में जाके, अब उन सब की जगह आप एक मूवी कंपाइल करके बना लें और वो एक ही मूवी जो है ना वो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं और आप उसको देखना और मैनेज करना और शेयर करना बहुत इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप सारी पिक्चर्स को और सारी वीडियो क्लिप्स को सेपरेट अपने पास रखें। तो उस हवाले से हम देखेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो उसके साथ विंडोज़ वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है जो पिक्चर्स की, वीडियोज़ की एडिटिंग में काफ़ी बेसिक लेवल के लिए काफ़ी अच्छा है। ये उन्होंने विंडोज़ XP के साथ देना शुरू किया था, पहले उसका नाम था विंडोज़ मूवी मेकर और अभी विंडोज़ 7 में उन्होंने इस विंडोज़ मूवी मेकर को विंडोज़ लाइव जो है उनका पैकेज है उसका हिस्सा बना दिया है। तो अगर आप मूवी से सर्च करें तो विंडोज़ लाइव मूवी मेकर के नाम से ये प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। इसको अगर आप ऑन करें तो ये जो है ना बड़ा लाइट वेट सा टूल है, इसमें ये एक विंडो आपको नज़र आ रही होगी, इस विंडो में आप जो है ना वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। ये एरिया जो इस साइड पे, इस पर आप जितनी फाइलें हैं वो इमेज फाइलें हों किसी भी फॉर्मेट में हों या वीडियो फाइलें हों, ठीक है, किसी भी AVI हो, MP4 हो या MW जो भी विंडोज़ वालों का फॉर्मेट है उसमें हो, आप इसमें लेके आ सकते हैं इस यहाँ पे और फिर इनको आप यहाँ से जो है कंबाइन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, वीडियो क्लिप्स आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप इसमें म्यूज़िक इनमें अटैच कर सकते हैं और यहाँ से आप टाइटल और क्रेडिट्स डाल सकते हैं, मुख्तलिफ पिक्चर्स के ऊपर आप कमेंट्स दे सकते हैं, कैप्शंस डाल सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं पिक्चर्स ऊपर नीचे। अगर कोई पिक्चर्स आपने कैमरा दूसरी तरह एंगल से लिया हो तो आप उसको रोटेट करके सीधा करना, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप एनिमेशन डाल सकते हैं। अगर एक क्लिप ख़त्म होने के बाद दूसरा क्लिप कैसे शुरू हो, किस एनिमेशन के थ्रू शुरू हो, फिर आप विजुअल इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, और जूम थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वाइड स्क्रीन या स्टैंडर्ड स्क्रीन जो एस्पेक्ट है वो आप सेट कर सकते हैं जो मूवी का। तो सबसे पहले तो आप
के पास जो मेन चीज़ होनी चाहिए वो ये कि आपने कौन सी पिक्चर्स या कौन सी मूवीज़ जो हैं जिनको आपने इसमें मैनेज करना है, जिनको आपने कंपाइल करना है, एडिट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं खोल लेता हूँ कुछ पिक्चर, पिक्चर्स 2011। अच्छा, तो अब इस फोल्डर में मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं और कुछ मूवीज़ भी हैं, मूवी क्लिप्स भी हैं, ये वाले मूवी क्लिप्स भी पड़े हुए हैं और काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं। अब एक तो तरीका ये है कि मैं इन सबको सेलेक्ट करूं। अब सेलेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये सारी फाइलें सेलेक्ट हो गई। अगर मैंने इनमें से कुछ सिलेक्टेड पिक्चर सेलेक्ट करनी थी तो मैंने ये कंट्रोल और माउस के थ्रू, कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया हुआ और जो जो पिक्चर मैंने सेलेक्ट करनी है उस पर जाकर माउस क्लिक कर रहा हूँ, वो सिलेक्ट हुए जा रही है। एक तरीका ये है, मैंने सारी करनी, मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, ठीक है, सारी पिक्चर होगी। मैंने इनको यहाँ से मैं दिखा रही, तो इनको मैंने यहाँ से इस एरिया में ड्रॉप करना है, इस एरिया में। अच्छा, एक तो मैं इनको सेलेक्ट करके ड्रॉप कर सकता हूँ, दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये खुद ही मुझसे पूछेगा कहाँ से उठानी है पिक्चर, तो मैं यहाँ से ब्राउज करके भी लेके आ सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी वो मेरे से ये पूछ रहा है कि कौन सी वीडियोज़ या पिक्चर इसमें ऐड करनी है। और अगर पिक्चर्स या वीडियोस अभी इस कंप्यूटर पे, इस लैपटॉप पे नहीं है तो मैं यहाँ से मेन्यू से जाके इंपोर्ट फ्रॉम डिवाइस भी कर सकता हूँ। उस केस में यह है कि सबसे पहले मुझे अपना कैमरा या फ़ोन या जिस भी पिक्चर्स हैं वो डिवाइस में अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अटैच करूँगा और फिर मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा, वो फिर सीधी इधर आ जाएगी। लेकिन ये तो मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास, तो ये सारी पिक्चर जहाँ पर पड़ी है तो मैंने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, अब ये सारी पिक्चर यहाँ पे लिस्ट होगी। इनमें से कुछ सपोज ये वाली पिक्चर जो है मैं नहीं रखना चाहता, मैं उनको डिलीट कर सकता हूँ। आपने जो पिक्चर रखनी है वो रखें, जो आपको अननेसेसरी लग रही है आप उसको डिलीट कर दें, सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट। कोई और ऐड करनी है आप कोई और कहीं और फोल्डर से भी ला सकते हैं, ये भी स्कूल में डिली। अब इसमें कुछ पिक्चर आगे पीछे मैंने करनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली पिक्चर सबसे ऊपर चली जाए, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉप ड्रैग ड्रॉप करके इसकी पोजीशन यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये स्कूल मैं ये वाली वैसे ही रिमूव कर देता हूँ, डिलीट सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। और मैं चाह रहा हूँ ये वाली पिक्चर भी ऊपर ले जाऊँ मैं सारी, ठीक है। इस तरह से मैं सारी सीक्वेंसिंग सेट कर सकता हूँ कि मेरी जो मूवी बनेगी उसमें ये पिक्चर किस किस जगह पे आएंगी। तो ओके, अच्छा, अब सपोज़ मैंने मूवी के शुरू में, अब मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये पिक्चर आए, उसके बाद ये पिक्चर आए, फिर ये आए, फिर ये आए, और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये तीन पिक्चर जो है ना ये वाली आए, यहाँ पे मैं इनको ले आता हूँ इधर, और ठीक हो गया, ये हो गया। अब ये पिक्चर जो है ये देखें साइड वाइज, मैंने इसको रोटेट करके सीधा करना, मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ, मैं किसी तरफ भी किसी पिक्चर को रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको रोटेट करके इसका एंगल जो है ना वो सीधा कर दिया। अगर इसी तरह की और पिक्चर आपने बड़ी इस तरह रोटेट करनी है आप उसको रोटेट कर सकते हैं। अब ये एक चीज़ यहाँ पर, ये जूम लेवल दे रहा है क्योंकि हर पिक्चर जो है ना ये ख़ास टाइम तक रन होगी, तो उस हवाले से ये मूवी है तो मूवी की लेंथ शो करेगा। अगर आपने इसको फोकस बड़ा करते जाएं तो ये देखें जो मूवीज़ हैं उनको उसने, अब ये मूवी यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ पे एंड होगी। अगर मैं इस मूवी को जाकर देखना चाह रहा हूँ उस मूवी में है क्या, मैं ये कर्सर इस पर लेके जाऊँगा, इसको मैं ऐसे भी मूव कर सकता हूँ माउस के थ्रू, और वो देखें मुझे दिखा रहा है कि इस मूवी में क्या क्या हो रहा है, तो मैं ऐसे देख सकता हूँ कि इस मूवी में है क्या। और अगर मैंने इसको प्रॉपर प्ले करना है, मैं कर्सर इस पर छोड़ूंगा और यहाँ से आके प्ले का बटन प्रेस करूँगा, तो ये देखिए मूवी प्ले करके दिखा रहा हूँ, देखिए इस मूवी में है क्या। मैं यहाँ से स्टॉप कर सकता हूँ, ये अगला क्लिप मैंने देखना है, मैं उस पर कर्सर ले गया और मैं उसी तरह उसको भी प्ले करके देख सकता हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे भी आगे पीछे उसको क्विकली भी देख सकता हूँ कि इसमें है क्या।
और फॉर एग्जांपल इस मूवी में मैंने ये नोट किया है कि ये जो पार्ट है इतना ये एक्स्ट्रा है, मैं इसको अपनी मूवी में फाइनल मूवी में इंक्लूड नहीं करना चाह रहा, तो सपोज मैं यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ अपनी मूवी, ये जो ये वाला इतना पार्ट है वो मैंने इसको शामिल इंक्लूड नहीं करना अपनी फाइनल मूवी में, तो मैं इस पर जाके राइट क्लिक करूँगा और मैं सेट एज स्टार्टिंग पॉइंट कर दूँगा, तो वो जो पहले वाला पार्ट था वो उसने रिमूव कर दिया। इसी तरह अगर मैं ये देख रहा हूँ कि ये एंड पे जो पार्ट है फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा पार्ट मैं डिस्प्ले नहीं करना चाह रहा, तो ये इतना पार्ट मैंने रिमूव करना, मैं इस कर्सर पे जाऊँगा और इसको कहूँगा कि सेट एज एंड पॉइंट, तो वो इस मेरे जो पॉइंट को सिलेक्टेड था उसको उसने एंड पॉइंट कर दिया, जो इससे एक्स्ट्रा मूवी थी वो उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इसका मैंने एंगल सेट कर दिया, ये ठीक हो गया। और अब सपोज इस पिक्चर पे मैंने कोई कमेंट देना, या कमेंट देने से पहले सबसे पहले मैं मूवी का जो है ना वो टाइटल देना चाह रहा हूँ शुरू में, तो मैं कह सकता हूँ दिस वीडियो शोज पिक्चर्स टेकन ऑन पिक्चर्स टेकन एट नियाग्रा फॉल्स। ठीक है, अब ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पे सेट किया है, इस टेक्स्ट को मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, मैं इसकी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये फॉन्ट जो है ना सपोज मैंने ये कमरिया फॉन्ट सेलेक्ट किया, तो ये वाली फॉन्ट आ गई है, इसका मैं साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकता हूँ, ठीक है जितना साइज़ बड़ा करना है, और ये मैं इसका इसको इटैलिक बोल्ड या जो भी करना है वो कर सकता हूँ, मैंने इस साइड से शुरू करना है, मिडिल में रखना है, इस साइड पे रखना है टेक्स्ट, ये मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी लेवल ये है कि अगर ये टेक्स्ट इसके पीछे पिक्चर हो या वीडियो हो तो ट्रांसपेरेंसी लेवल आप सेट कर सकते हैं, ठीक है कि आपकी पीछे वाली पिक्चर कितनी नज़र आए और उसके ऊपर ये टेक्स्ट कितना नज़र आए। ठीक है, अगर मैं यहाँ कर दूँगा तो ये टेक्स्ट बिल्कुल डिम नज़र आएगा और इसके पीछे जो पिक्चर होगी वो ज़्यादा नज़र आएगी, इस अभी तो चूँकि इसके पीछे पिक्चर है नहीं तो मैं ट्रांसपेरेंसी लेवल जो है ना बिल्कुल मिनिमम रख देता हूँ। और उसके अलावा मैं टेक्स्ट के साथ क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट एडिट, ठीक है कट कॉपी पेस्ट करके भी आप चीज़ें यहाँ पे ला सकते हैं। और ये जो है ना ये इसका टाइम ड्यूरेशन है कि ये वाला टेक्स्ट कितनी देर डिस्प्ले होगा, ये अभी 5 सेकंड तक डिस्प्ले होगा, अगर मैंने इसको 8 सेकंड तक डिस्प्ले करना है तो ये 8 सेकंड तक डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक है, अब इसको टेस्ट करना है, ये कर्सर यहाँ पे देखें, ये इसका कर्सर है, ठीक है इसको आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ये देखें ये ऐसे डिस्प्ले होगा, तो ये देखें ये वीडियो ऐसे आएगी, और इधर देखें अभी अगली पिक्चर आ गई, उसके बाद फिर ये देखें इसके बाद फिर ये अगली पिक्चर आ गई, अभी आप जब पिक्चर स्विच होगी तो आप देखेंगे पिक्चर जो है ना सडनली अचानक दूसरी आ जाती है। अब मैं अगर ये नहीं चाहता, मैं इसमें कुछ स्टाइल डालना चाह रहा हूँ कि इस पिक्चर जब ये पिक्चर शुरू हो तो किस इफेक्ट या कौन सी एनिमेशन से शुरू हो, अगर ये देखें मुख्तलिफ एनिमेशन है, मैं ये डाल सकता हूँ इसका प्रीव्यू मुझे दे रहा है कैसे पिक्चर जो है ना आगे वाली आएगी, तो उसमें काफ़ी सारे स्टाइल दिए हुए हैं, अगर मैं ये देखें ऐसे भी दे सकता हूँ, ये वाला स्टाइल दे सकता हूँ, ये वाला दे सकता हूँ और ये वाला भी दे, सपोज मैं ये वाला स्टाइल दे देता हूँ, ठीक है ये है डिजॉल्व इफेक्ट, इस पर मैंने कोई और इफेक्ट देना है, ठीक है इस पर मैं ये वाला इफेक्ट दे देता हूँ, और साथ ही ये पिक्चर जब आएगी तो वो थोड़ी सी अगर मैंने मूव होती दिखानी है फॉर एग्जांपल मैं ये इफेक्ट दूंगा तो वो पिक्चर जैसे डिस्प्ले होगी तो थोड़ा थोड़ा मूव भी हो रही होगी, ये देखिए ये मूव भी हो रही है। अब ये पिक्चर जो है इस पर मैं इफेक्ट जो है फॉर एग्जांपल ये वाला दे के तो यहाँ से मैं इसको ये ऐसे ऊपर नीचे होती हुई या ऐसे होती हुई बड़ी होती हुई भी नज़र आएगी। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ इफेक्ट में हर पार्ट, अब ये पिक्चर है इसकी जगह वीडियो क्लिप होगा मैं उस पर भी इसी तरह इफेक्ट दे सकता हूँ, तो मैं हर पार्ट के ऊपर जो है ना अपने इफेक्ट डाल सकता हूँ। मैं अगर मैंने मल्टीपल पार्ट सेलेक्ट किए हैं उन मल्टीपल पार्ट्स को सिलेक्ट करके मैं उन सारे पे कोई एक स्टाइल दे सकता हूँ। ठीक है, सपोज इन पर मैंने ये स्टाइल दे दिया है और इनको मैंने सेलेक्ट किया पिक्चर्स को, इनको मैंने कोई और डिफरेंट स्टाइल जो भी आप देना चाह रहे हैं, मैंने ये स्टाइल दे दिया और साथ में मैंने ये भी दे दिया। ठीक है, तो अब जैसे ही ये सारी पिक्चर्स मूव होंगी तो मैं प्ले करूँगा तो अब
जो भी इस पे चीज़ अप्लाई करें उसको आप फ़ौरन टेस्ट कर सकते हैं प्ले करके, ठीक है, कि फ़ाइनल मूवी में आउटपुट कैसी आ रही होगी। अच्छा, ये तो होगा मुख्तलिफ स्टाइल, ठीक है। अगर मैंने सब पे एक ही स्टाइल देना है तो मैं सबको सिलेक्ट करके कोई एक स्टाइल दे सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, या सब पे एक नहीं देते, ये जो बाकी रह गए हैं इन सब पे कोई स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। अब इनको मैं सिलेक्ट, मैंने कंट्रोल की प्रेस की हुई है और मैं गड़बड़ हो गई, कंट्रोल की और फिर माउस प्रेस के साथ मैं इसको सिलेक्ट किए जा रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये वीडियो भी आ गया, मैं वीडियो को भी साथ सिलेक्ट कर लिया है, अब ये वीडियो भी सिलेक्ट हो गई है और उसके बाद कोई पिक्चर्स हैं, हाँ ये दो पिक्चर्स हैं, उनको भी सिलेक्ट कर लिया। अब इन सब पे मैं जो स्टाइल दे देता हूँ, मैं वो ये वाला डिजॉल्व स्टाइल दे के और ये वाली चीज़ दे देता हूँ, ठीक है। अब ये तो इफ़ेक्ट आ गया इनके कि उस पर कौन सी एनिमेशन अप्लाई होनी है, ठीक है। इसी तरह आप विजुअल इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं मुख्तलिफ पिक्चर्स पे, ठीक है जी। ये ब्लैक एंड वाइट हो गया, अगर आपने किसी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करना है तो मैं ये इफेक्ट दे दूँगा, ठीक है। अगर मैंने इसको ये इफेक्ट डाल दिया है, इसको डाला था हमने, ओके, और ये वाला इफेक्ट भी है, ये देखें, ये थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट नहीं करता लेकिन ये थोड़ा सा इस कलर में कर देता है, और एक ये इफेक्ट है, ठीक है। तो जो भी आप इफेक्ट देना चाहें, आप ब्राइटनेस जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पिक्चर की वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। एनिमेशन आपने देख ली, फिर एनिमेशन की एक चीज़ के इस पे हमने एनिमेशन जो अप्लाई की है ये कितनी ड्यूरेशन तक आएगी, एक सेकंड तक। अगर आपने एनिमेशन की ड्यूरेशन बढ़ानी है, एनिमेशन की ड्यूरेशन, तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं। ये पिक्चर की ड्यूरेशन नहीं, ये एनिमेट जो पिक्चर ने करना है शुरू में, ये देखें, ये चीज़ जो है ना, ये बॉक्स जो नीचे बन रहा है ये वाला, ये बता रहा है कि इस पिक्चर पर एनिमेशन लगी हुई है। अब इसकी एनिमेशन जो है ना, ये एक सेकंड तक प्ले होगी, इसकी चूँकि मैंने बढ़ा दी है ये 2 सेकंड तक प्ले होगी, तो आप देख लें, ये देखें, ये अब स्लो स्लो 2 सेकंड लगाए हैं इसने एनिमेशन प्ले होने में, अगली पिक्चर की 1 सेकंड में जल्दी प्ले हो जाएगी। अच्छा, एनिमेशन अप्लाई हो गई, अब आते हैं, हमने शुरू में टेक्स्ट भी लिख दिया, अब इस टेक्स्ट की लेंथ मैंने जो है ना वो बढ़ा दी थी, ठीक है, इसकी मैंने 8 सेकंड की थी और मैं इसको दोबारा 4 या 5 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है, बल्कि मैं 4 कर देता हूँ क्योंकि ये अगले क्लिप पे जा रही है, मैंने अगले क्लिप पे और को कमेंट देना है। तो अगर मैंने इस क्लिप, जब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये पिक्चर या ये वीडियो क्लिप अगर यहाँ पे हो, ये शो हो, तो मैं उस पर कोई ख़ास टाइटल देना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि जी वॉर्म वेलकम टू कैनेडा बाई काबली लाओ एंड चपली कबाब, ठीक है। तो अच्छा नहीं, ये तो आगे हमने अप्लाई नहीं करना था, ठीक है, इस पर करने की कैप्शन अप्लाई करनी थी, हाँ मैंने टाइटल अप्लाई कर दिया था, सॉरी, टाइटल जो है वो मूवी के शुरू में आता है। अच्छा, अब अगर आपने किसी क्लिप के ऊपर कोई टेक्स्ट अप्लाई करना हो तो फिर आप ये जो है ना कैप्शन अप्लाई करेंगे, तो आप कैप्शन ये देखें इस पे नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए वॉर्म वेलकम बाय काबली लाओ एंड चपली कबाब, ठीक है। तो ये अब इसकी मैं उसी तरह से टेक्स्ट बड़ा छोटा कर सकता हूँ, मैं सिलेक्ट करके टेक्स्ट मैंने बड़ा करना है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है, और फॉन्ट का कलर भी यहाँ पे ही होना चाहिए। अच्छा, अगर चलें वो देखते हैं कहाँ से, फॉन्ट का कलर भी यहीं कहीं होगा अगर चेंज करना। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके भी लेके आ सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने सेट करना है, ये पिक्चर्स दोनों के मिडिल में आए, या इस पिक्चर्स के शुरू होते ही यहाँ से शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। अब मैं इसको प्ले करके देख सकता हूँ, ये देखें, जैसे ये प्ले हो रहा होगा तो ये ऐसे टेक्स्ट आएगा, ठीक है। और अब मैंने अगर इसको इस पिक्चर पे भी देना है कमेंट,
तो मैं इस पे जाऊंगा, कैप्शन अप्लाई करूंगा, नेक्स्ट चैलेंज वॉज हाउ टू चार्ज माई गैजेट्स विदआउट द लोकल अडाप्टर। ठीक है जी, ये मैंने इस पे कमेंट दे दिए। अब ये कमेंट भी 3 सेकेंड्स तक रहेंगे, अगर मैंने इसका टाइमिंग बढ़ाना है तो मैं टाइमिंग बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करके पीछे लेके आ सकता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ से भी ड्रॉप कर सकता हूँ और मैं इसका स्टार्ट टाइम यहाँ पर भी मेंशन कर सकता हूँ। ये स्टार्ट टाइम जो है मूवी के मूवी के कितने सेकेंड्स बाद, अभी यहाँ पे मूवी जो है ना वो 8 सेकेंड की होगी, यानी 4 सेकेंड ये वाला क्लिप, 4 सेकेंड ये वाला क्लिप, और ये 8वां सेकेंड यहाँ से शुरू हो जाएगा, 9वां सेकेंड शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ तो वो देखिए ये सेकेंड खुद ही चेंज कर रहा है। लेकिन अगर मुझे पता है एब्सोल्यूट के जी ये मूवी जो है ना 8 सेकेंड पे जाके स्टार्ट से 8 सेकेंड के बाद डिस्प्ले हो, तो मैं इसको यहाँ पे टाइप करके भी दिखा सकता हूँ, फिर खुद ही इसी लोकेशन पे ले जाएगा। इस पे मैंने कोई इसी तरह कैप्शन देनी है तो मैं कह सकता हूँ एंड देन ए स्नोई नाइट। ठीक है, अब इससे ये हो रहा था जब मैं इस मूवी को देखूंगा फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो बहुत सी चीज़ें मुझे जो है ना वो खुद ही याद आती जाएंगी कि अच्छा ठीक है ये काबली पुलाव चपली कबाब कहाँ पे खाया था, मैं उसकी डिटेल भी यहाँ पे थोड़ी बहुत लिख सकता हूँ। ठीक है, इस पिक्चर को देखते मुझे फ़ौरन पता चलेगा क्या किया था। अच्छा, इससे मुझे पता स्नोई नाइट के स्नो पड़ी थी इस रात को। इस तरह के जितने कमेंट्स हैं जो आपकी मूवी को जो है ना वो हो सकते हैं हेल्पफुल, जो बंदा उसको देख रहा है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पिक्चर पे मैं लिख सकता हूँ कि जी गेटिंग रेडी फॉर नियाग्रा फॉल। ठीक है, अब मैंने ये लिख दी, अब इस पिक्चर को देखते ही पता चल जाएगा कि जी ये नियाग्रा फॉल। अब इसकी ड्यूरेशन मैं यहाँ पे 3 सेकेंड्स दे देता हूँ। ठीक है, और अगर मैंने ये क्लिप यहाँ से मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, मैं इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट। अच्छा, ये उधर ही पेस्ट हो जा रहा है, इसको फिर मैं ड्रैग कर लूँगा यहाँ से। हाँ, ये 2-3 पेस्ट हो गए जितनी मैंने ट्राई की। ठीक है जी, ओके। अब मैं इसको, इसके ऊपर मैंने कमेंट लिखना है तो मैं चूंकि ये कॉपी किया था तो उस पर वही टेक्स्ट आ रहा है। अब मैं इस पर डिफरेंट टेक्स्ट लिख सकता हूँ, वेयर एवरी थिंग इज फ्रीजिंग, के भी हम नियाग्रा फॉल के लिए रेडी हो रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ ही फ्रीज हो रही है। आप इस तरह से जितने आपने देने हैं कमेंट दे दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नियाग्रा फॉल्स की पिक्चर जब डिस्प्ले होंगी इसके आपने कोई पिक्चर देना है तो कमेंट देना है वो दे सकते हैं। अच्छा, जो भी इस तरह के आप सारे आपने जो फाइनल करने हैं कर लिए, आप आखिर पे एंड पे आपने अगर मूवी के एंड पे आपने कोई क्रेडिट्स देने हैं तो आप क्रेडिट्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ थैंक्स टू माई फ्रेंड अमजद जमाल हु मैनेज्ड माई विजिट टू नियाग्रा फॉल्स। ठीक है, जो भी आपने इस तरह क्रेडिट देने वो आप कुछ भी देना चाहें वो आपने लिखना लिखा। अच्छा, अब सारा कुछ करने के बाद जो अब आपको फाइनल हो जाए कि जी हर चीज़ रेडी है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो काम पहले कर लेना चाहिए था ये था कि इस प्रोजेक्ट को सेव करें। ठीक है, प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि अब इसमें कितनी पिक्चर्स डाली हुई हैं, उस पर कौन कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें कौन कौन से स्टाइल्स एनिमेशन डाली हुई हैं, ये सारा कुछ जो है ना वो एक प्रोजेक्ट में सेव कर लेते हैं। तो मैं इस पर ट्रिप दे देता हूँ, कैनेडा ट्रिप प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का फायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने इस पर और काम करना है और मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, मैंने कंप्यूटर बंद करना है तो मैं इसको बंद करूँगा। ठीक है, और सपोज नेक्स्ट डे मैंने आना या जब भी मुझे दोबारा टाइम लगेगा मैं दोबारा मूवी मेकर चलाऊँगा, मूवी जो है वो जो सॉफ्टवेयर है, अब उसमें मैंने सारा कुछ वैसे का वैसे खोलना है तो मैं जाके प्रोजेक्ट जो है ना ओपन प्रोजेक्ट करूँगा।
और ये वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लूँगा। तो वो प्रोजेक्ट क्या करेगा, वो देखें, वो सारा कुछ जो मेरा उसने सेव कर लिया था कि कौन सी पिक्चर्स मैंने इस प्रोजेक्ट में रखी हुई हैं, उस पर क्या क्या टेक्स्ट डाला हुआ है, कौन कौन से इफेक्ट्स डाले, वैसे का वैसे ही खोल के लिएगा। अगर मैं इसको एज अ प्रोजेक्ट सेव नहीं करता और किसी वजह से ये बंद हो जाता है, लैपटॉप की बैटरी फिनिश हो जाती है, अचानक बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, क्रैश कर जाता है ये प्रोग्राम, तो मुझे दोबारा से सारी एफर्ट दोबारा करनी पड़ेगी। और उस एफर्ट से मुराद ये है कि सारी पिक्चर्स मुझे दोबारा इसके अंदर इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी, उन पे सारे इफेक्ट्स डालने पड़ेंगे, जितने मैंने टाइटल्स या कैप्शंस डाली हुई वो दोबारा से डालनी पड़ेंगी। तो उससे बेहतर यह है कि आप जितना काम करते जाएँ उसको साथ साथ एज ए प्रोजेक्ट जो है ना सेव करते जाएँ। अब मैंने चूँकि प्रोजेक्ट सेव कर लिया, अब मैं इसमें कोई भी चेंज करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इधर कर दिया है, वो मैं इसको सेव कर दूँ, अब वो प्रोजेक्ट मेरा सेव है। जब आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो एंड पे आपने क्या करना है, आपने इसकी ये जो ऑप्शन है सेव मूवी, अब सेव मूवी में बहुत सारी ऑप्शन दे रहा है कि आपने मूवी की जो आउटपुट है वो किस फॉर्मेट में सेव करनी है। ये ऑप्शन है कि हाई डेफिनेशन 1080 पिक्सल, इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर होगी। फिर आपने DVD बर्न करनी है, यानी ये जो मूवी जो है आप पूरी मूवी आप यहाँ से देख सकते हैं शुरू से। अभी ये मूवी जो है 4:28 की बनी है और आप इस सारी मूवी को यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं कि ये मूवी कैसी आएगी जब ये फाइनल कंपाइल होगी। तो ये देखें इस तरह से मूवी प्ले होगी शुरू से एंड तक, ठीक है। और आपको अगर इसने इसी तरह अगर आपने इसको ड्रैग करके आगे पीछे लेके जाना तो आप यहाँ से ड्रैग करके इसको ले जाएँ, वहाँ से देख लें, वहाँ से देख लें, ठीक है। और आगे लेके जाना है इसको, यहाँ से पकड़ के जिधर आपने इसको लेके जाना है उधर ले जाएँ, ठीक है। तो इस तरह से आप सारी मूवी जो आपकी पिक्चर और वीडियो क्लिप कर लिए, देखिए वीडियो क्लिप शुरू है, इसकी समझ भी ऑटोमेटिकली आ गई। अच्छा, एक चीज़ जो हमने अभी तक नहीं बताई वो ये है कि इस वीडियो क्लिप की जो साउंड आ गई है, इन पिक्चर्स पे कोई साउंड नहीं है। और अगर आपने कोई साउंड ऐड करनी है तो आप यहाँ से जाके ऐड म्यूज़िक जो है ना वो डालें, ठीक है। अब ऐड म्यूज़िक एट द करंट पोजिशन, आपने अगर किसी खास लोकेशन से म्यूज़िक डालना है कि अगर आप चाह रहे हैं कि जी शुरू में म्यूज़िक ना आए, सिर्फ इस क्लिप से म्यूज़िक शुरू हो, इस पहले क्लिप से ना, तो आप इसको यहाँ पे ले जाएं और आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करें कि ऐड म्यूज़िक एट करंट पोजिशन, कि इस करंट पोजिशन से म्यूज़िक ऐड हो, इससे पहले म्यूज़िक ना आए, ठीक है। लेकिन अगर आपने शुरू से डालना है तो ऐड म्यूज़िक कर दें। म्यूज़िक करने के बाद आपसे पूछेगा कि कौन सी फ़ाइल है, तो आपके पास कोई म्यूज़िक की फ़ाइल होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली फाइल सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये देखें, ये ऊपर उसने ग्रीन रंग की जो बार डाली है ये म्यूज़िक है सारा, ठीक है। तो ये सारी मूवी को उसने म्यूज़िक। अब और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि ये देखें यहाँ तक तो पिक्चर्स हैं, ये देखें पिक्चर्स की अपनी तो कोई साउंड नहीं है, तो जो मैंने म्यूज़िक डाला वही आ रहा है। तो जैसे पिक्चर फिनिश होंगी वो ये मूवी क्लिप पे आएगा, तो मूवी क्लिप पे वो दोनों साउंड मिक्स कर देंगे, यानी जो म्यूज़िक मैंने डाला वो भी आ रहा है, जो मूवी क्लिप का अपनी वो भी आ रहा है। और आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि जी किस मूवी क्लिप की साउंड किस तरह से आए, ठीक है। ये देखें, ये जो है ना म्यूज़िक वॉल्यूम भी आप बता सकते हैं कि जी म्यूज़िक का वॉल्यूम कितना हो, आप इसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि जो मेरी ओरिजिनल मूवी है उसकी वीडियो, उसकी वॉइस जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो मैं इसको 50-50 कर सकता हूँ, ठीक है। या इधर करता जाऊँगा तो जो म्यूज़िक डाला उसका वॉल्यूम कम होगा, उसकी अपनी जो वॉल्यूम है वीडियो की वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं बिल्कुल इधर कर देता हूँ तो वो मेरा म्यूज़िक जो आप डाला है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और उसका कम। तो आप इसको 50-50 या जहाँ पे एडजस्ट करना है आप उसको वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। म्यूज़िक डाल के उसकी साउंड का वॉल्यूम भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे अभी दोनों हाथ आ रहा है, म्यूज़िक भी आ रहा है और जो है वॉइस वो भी आ रही है। तो म्यूज़िक भी डाल दिया आपने, इफेक्ट्स भी डाल दिए उनको मिक्स करने के, टाइटल और कॉमेंट्स भी डाल दिए। अब हम गए थे कि सेव करने पर। अच्छा, सेव हाई डेफिनेशन करना है, DVD बंद करनी है, या हाई डेफिनेशन ये 720 पिक्सल्स पर लाइन होते हैं, ये 180 पिक्सल्स पर लाइन है, ये वाइड स्क्रीन 480 पिक्सल्स है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है नॉर्मल क्वालिटी, अगर आपने ये वीडियो किसी मोबाइल फ़ोन पे छोटे साइज़ की बनानी तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आपने किसी को ईमेल करनी है या इंस्टेंट मैसेजिंग करनी है तो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सबसे कम साइज़ की मूवी जो है ना बनाएगा। लेकिन अगर आपको क्वालिटी चाहिए, साइज़ डजंट मैटर, ठीक है। स्टोरेज आपको पता है कि आपने ये मूवीज बना के अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या
आपकी स्टोरेज डिवाइस है उस पर कॉपी करनी है, तो आप बेस्ट क्वालिटी पे जाएँ, ठीक है, इसमें सेव करें या इसमें सेव करें, सर हाई डेफिनेशन में। अच्छा, अगर आप हाई डेफिनेशन में करेंगे तो इसकी प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लगाएगा। हो सकता है मैं ये जो मूवी जो 4-5 मिनट की है इसको मैं हाई डेफिनेशन पे करूँ तो हो सकता है आधा घंटा इसको प्रोसेस करता रहे, तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। और फिर जो साइज़ इस मूवी का बनाएगा वो मे बी मोर देन 100 MB हो, और मोर देन 100 MB अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र करना है तो वो भी टाइम लेगा। YouTube पे अपलोड करना है तो वो भी आप चेक कर लें कि आपका YouTube पे जो आपका अकाउंट है उस पर कितनी आपके पास लिमिट है। अक्सर जो शुरू के YouTube के अकाउंट्स होते हैं या होते थे उस पर आप 10 मिनट से ज़्यादा की मूवी और मेरे ख्याल में कुछ फिक्स साइज था उससे ज़्यादा नहीं अपलोड कर सकते, लेकिन जब अभी मेरे अकाउंट में तो आधे घंटे से ज़्यादा अभी घंटे की भी वो अलाउ कर देते हैं और साइज भी मैटर नहीं करता। तो आप अपना यूट्यूब का अकाउंट भी चेक कर लें और उसके हिसाब से देखें, और अगर आपको ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आप इस मूवी को 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं, यानी आप देख लें कि 2 मिनट की मूवी यहाँ तक जो है ना एक क्लिप सेव कर लें और उसके बाद अगला जो है ना दूसरा क्लिप सेव कर लें। तो आप मूवी सेव करें, फॉर एग्जांपल मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ, और अब वो मुझे से पूछेगा कि कहाँ पर मूवी सेव करनी है, तो मैं कैनेडा ट्रिप कंपाइल, ठीक है, मैं कह देता हूँ कि ये, और मैं साथ में अगर मैंने इसको हाई डेफिनेशन में इसको लिख देता हूँ तो मैंने सेव कर दिया है। अब ये इसको सेव करने चला जाएगा, ठीक है, अब इसको सेव करने में अब काफ़ी टाइम लगाएगा, अभी 1% 2% हुआ, लेकिन इसके बाद ये आपके पास है कि आपकी जो है ना एक आउटपुट बन जाएगी, एक मूवी फाइल बन जाएगी जिसकी क्वालिटी भी हाई डेफिनेशन है। आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन पे भी कॉपी कर सकते हैं, अगर आपने किसी को दिखाना है आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, आप सीडी में भी किसी को कॉपी करके डीवीडी में कॉपी करके ये फाइल दे सकते हैं किसी को, या अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे रख सकते हैं शेयर करने के लिए। तो अब एक फ़ाइल को मैनेज करना जो है ना बहुत ईजी है, बजाय इसके कि आपके पास 100-200 images हों या वो सारा कुछ हो, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी सारी जो फाइलें हैं ना वो कंपाइल होने के बाद एक आउटपुट बन जाएगी और आप एक फ़ाइल जो है ना सेव कर लेंगे। और दूसरा, ऑब्वियसली आपने देखा कि आप इस काफ़ी इंटरैक्टिव, आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं पिक्चर्स को, उसकी ब्राइटनेस इफेक्ट्स बहुत सारे डाल सकते हैं, उनको कैसे आपस में लिंक अप करना है, एनिमेशन डालनी है, और ये सारे अब ये जो जितने काम किए ये बेसिक लेवल की मूवी बनाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपने और एक्सपर्ट लेवल का या प्रोफेशनल लेवल का काम करना है तो फिर आपको ये सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल में इतने सपोर्ट नहीं देगा, आपको कोई और इससे बेहतर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे आप बेहतर मूवी एडिटिंग कर सकेंगे। लेकिन चूँकि नॉर्मली हर बंदे ने कैमरा रखा हुआ होता है और वो ट्रिप भी जाते हैं और तस्वीरें सेव भी करते हैं, तो बेसिक लेवल के लिए ये बड़ा ही लाइट वेट टूल है और ये फ्रीली अवेलेबल है विंडोज़ के साथ, तो आप इसको यूज़ करें। और देखें अभी अच्छा जी, अभी जो है ना 67-68% हो गया, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। ओके जी, अभी 99% हो गया, अभी ये कंप्लीट हो गया, अभी ये कंप्लीट करने के बाद मेरे ख्याल से खुद ही प्ले भी कर देता है। हाँ, ये पूछ रहा है कि आपने प्ले करनी है मूवी, आप इसको प्ले कर लें, तो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट प्लेयर होगा आप इसको आप यहाँ फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं। अब ये देखेंगे ये वैसे तो वैसे पिक्चर्स और उनके कमेंट्स वैसे आ रहे हैं, अब ये इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर हाई डेफिनेशन है और इसमें कोई क्वालिटी यूज नहीं की जो पिक्चर हमने दी थी, इसको आप आगे पीछे करते हैं। अभी तो खैर वहाँ तो समर सर्दियाँ थी, लेकिन जब समर होता है तो इस एरिया में वो एक फैरी लेके आते हैं बोट, उसमें बैठ के बिल्कुल उस पाल के नीचे आ सकते हैं, तो जो पानी की जो पानी उड़ता है वो आपके ऊपर इतना आता है कि आपको बिल्कुल गीला कर देता है। ये कुछ टोरंटो की पिक्चर थी जो हमने इसमें डाल दी, ठीक है, इस तरह से आपके क्रेडिट्स की आंटे नहीं जो है वो आ जाए।